What's up, my YouTube family? Today at Goa, Masalan Beach Gym, India's first beach gym, taking the sun bath. Tan hone ka maza alag hai. Of course, aaj ka episode cardio ke bare mein hai. What's up, my YouTube family? Today at Goa, Masalan Beach Gym, India's first beach gym, taking the sun bath. Tan hone ka maza alag hai. Of course, aaj ka episode cardio ke bare mein hai. Aaiye kuch cardio ke secret batata hoon jo main normally apni zindagi mein use karta hoon. Sabse acha cardio to definitely main samajhta hoon samundar hai, lekin sab log afford nahi kar pate shayad. ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे समुंदर नहीं हो. अगर समुंदर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा गार्डन पे जाएं. स्प्रिंटिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एटलीस्ट 100 मीटर्स मे बी अबाउट 40 टू 60 सेकेंड बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश करता हूँ. एक घंटा नॉर्मल वॉक करने से बेहतर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम इज़ मनी, तो टाइम सेव करने के लिए मुझे स्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा वर्क करती है. सो आई डू अबाउट 40 टू 60 सेकेंड. आई रन बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, फिर रुकता हूँ, दम फूल जाता है, उसके बाद एक करीब एक दो मिनट नॉर्मल वॉक करता हूँ. ऐसा करीब 5 से 6 बार मैं करता हूँ. सो 10 मिनट के अंदर मेरा कार्डियो हो जाता है. उसके बाद अगर आप चाहें तो दूसरी जो एक्टिविटीज़ है रोप के साथ आप वो भी कर सकते हैं. नॉर्मली मैं स्प्रिंटिंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि जिम में बहुत भीड़ होती है और रोप बहुत बिजी होता है. सो आज जितना कुछ मैं, क्योंकि बीच पे बहुत भीड़ है तो इस वक्त ज़्यादा नहीं कर सकता, हालांकि मैं सिर्फ 3-4 बार ही दौड़ा हूँ और जितना कि आप देख सकेंगे इस वीडियो में. मोस्ट प्रॉबली बॉम्बे में मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेडमिल पे दौड़ूँ, लेकिन आप में से जो लोग ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जिनको नहीं है वो नहीं करें ऐसा. आई वुड रिकमेंड नॉर्मली आप स्टार्ट करिए आधा घंटा 30 to 40 मिनट्स इंक्लाइन वॉक, उसके बाद आप कोशिश करें कि 30-30 सेकेंड का मीडियम स्पीड पे स्प्रिंट करें, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप नॉर्मली उस चीज़ को और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं. मे बी 2 से 3 हफ्ते के बीच में आप देखेंगे कि आप ट्रेडमिल के जो किसी किसी ट्रेडमिल में 15 होता है, किसी में 30 होता है, 20 होता है, तो आप दोनों मिला के आप देखेंगे आप ट्रेडमिल की फुल स्पीड पर दौड़ रहे हैं. एंड आई गारंटी यू दिस इज़ द मोस्ट फैट बर्निंग टिप जो बहुत सारे लोग मुझसे मांगते हैं कि फैट बर्निंग टिप दीजिए. ये है फैट बर्निंग टिप. और दूसरा सबसे बड़ा टिप ये है कि आप कार्डियो करने के बाद नॉर्मली आप कोशिश करें कि 1 घंटे तक कार्ब्स नहीं खाएं. ओके, कार्डियो के बाद कार्ब्स नहीं खाएं. मैं कार्ब्स खाने मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने कार्ब्स का एपिसोड देखा होगा मेरा, फैट बर्निंग टिप्स दूसरा जो एपिसोड है वो भी देखा होगा. दूसरा जो फैट बर्निंग टिप के बारे में, एप्पल सिडर के बारे में बहुत पहले मैंने एपिसोड बनाया था, वो भी देखा होगा. सो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं डिटेल, आप उस एपिसोड को और इससे अगर मिलाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दैट जो मैं ज़िंदगी में सीखा हूँ 20-25 साल से, बचपन से जो मैं कर रहा हूँ, गलतियाँ की हैं जो मैंने उससे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू मैच अप विद दैट. राइट नाउ वी एन गोवा,
लास उलास मेरा रिजॉर्ट, मेरा ड्रीम था गोवा पे एक बीच रिजॉर्ट बनाने का, आज वो भी है। मेरा ड्रीम था हिंदुस्तान का पहला मसलन बीच जिम खोलने का, बीच जिम खोलने का, आज वहीं पे खड़ा हूँ। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल माई इंस्टाग्राम फैमिली। और ओके कमिंग बैक टू, सो आप कार्ब्स नहीं खाएंगे। सो जितने लोग यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कमिंग बैक टू कार्डियो के बाद क्या करना चाहिए, कोशिश ये करें कि आप सुबह को खाली पेट में करें, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। जिन लोगों ने मेरा एप्पल साइडर विनेगर एपिसोड देखा होगा उसमें बहुत सारी टिप्स हैं कि रात को मैं क्या खाता हूँ, फैट बर्निंग जोन में कब जाता हूँ। सुबह मैं बॉडी को कन्वर्ट करता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ तो बॉडी मेरी फैट बर्निंग जोन पे 3 से 4 घंटे रहती है। तो सपोज़ आप बॉडी को डिवाइड करें, मॉर्निंग का जो शेड्यूल होगा वो फैट बर्निंग जोन पे होगा, उसके बाद आफ्टरनून से जब ट्रेनिंग करते हैं हम तो मसल गेन का होता है, रात को जब सोने का होता है तो वो रिकवरी जोन पे होता है। सो मैं बॉडी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग मील खाकर, रेस्ट लेकर, सप्लीमेंटेशन, तो इस तरह से प्रोग्राम बनाकर ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक दिन में मैं डाइवर्ट करता हूँ, जिससे मेरी बॉडी में हेल्दियर रिजल्ट मिलता है। मैं 43 का हूँ तो बड़ी मुश्किलात हैं, आप लोग तो बहुत यंग हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं, इतनी तकलीफ आपको नहीं होती होगी। ओके फर्स्ट, पहला जो आप कार्डियो के बाद मील खाएंगे, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था, मैं नॉर्मली आइसोलेट वे लेता हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स लेता हूँ, ब्रोकली, एस्परागस, बीन्स, जैसा भी आपको बजट या जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो खाएं, एंड हेल्दी फैट मे बी वॉलनट, 5 से 6 वॉलनट, या फिश ऑयल या आलमंड। सो वो खाएं, सिर्फ हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, ये एक पहला ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नंबर 1। सो आई हैव 2 ब्रेकफास्ट, वो पहला ब्रेकफास्ट मैं करता हूँ, और उसके बाद जो दूसरा मील होता है मेरा 1 से 2 घंटे बाद का, उसमें एक्चुअल मैं राइस यानी कार्ब्स या जैसा भी मेरा डाइट होता है वो कार्ब्स, प्रोटीन, नॉर्मल मील खाता हूँ, चिकन, राइस, एग्स, स्वीट पोटैटो, जो भी मेरा प्लान उस प्रोग्राम पे जो होता हूँ मैं वो करता हूँ। ट्राई करिए, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। स्प्रिंटिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, मेरे एपिसोड से जितना कुछ मुझे इस वक्त याद आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन अ पब्लिक प्लेस सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोग पीछे खड़े हैं तस्वीरें खींचने के लिए, उनको बुरा लग रहा है। सो ओके बाय, थैंक यू वेरी मच गाइस, एंजॉय, मच लव टू यू एवरीवन हूएवर हैज सपोर्टेड मी, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 700K, आई लव यू।